काफी अच्छा रहता है, बट अगर जब भी आप एसयूवी में जाते हो तो वो टॉल हो जाती है, आप ग्राउंड क्लियरेंस के लिए ये सब करते हो, बट आजकल की रोड में ग्राउंड क्लियरेंस अनलेस आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसका एक टाइम पे एक ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने सॉल्व कर दिया। आप चार लोग लेके जाओ, स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी टच नहीं होती है, तो 165 mm इज अ ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी हाईवे पे बेस्ट रहती है। स्लाविया मैंने चलाई, लेकिन अंदर की जो स्पेस है वो स्लाविया में और वर्चुस में मुझे काफी कम लगी। उन्होंने भाई साहब ने जो है की डाली हुई है, लेकिन बात करते हो अगर की तो इस तरह से कुछ आती है, अभी तो मैं निकालता नहीं लॉक अनलॉक, लेकिन वैसे ये कहाँ से कवर लिया आपने, बहुत ही अच्छा है डिजाइन। ऑनलाइन मैंने कवर लिया, बिल्कुल अच्छा डिजाइन, मतलब कहाँ पे मिला आपको ये डील? कंपनी का मालूम नहीं है कंपनी, बट ये अवेलेबल है ऑनलाइन। ये आपने जो है ना बहुत ज्यादा प्रीमियम कर रखा है, मतलब बंद कर दिया तो आपको ये हाथ ऐसे डालना है, यहाँ पे सेंसर है, तो सेंसर से ये सेंसर से, लेकिन पॉकेट में की चाहिए, पॉकेट में की चाहिए। अच्छा, हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ऐसे जापानीज जो गाड़ी की बात मैं कराने वाला हूँ कि ये जो गाड़ी आप देखने के बाद आप लेके आओगे, अब इस गाड़ी के ज़्यादातर जो है वो बंदे देखते नहीं है क्योंकि एसयूवीज का ज़माना है, जहाँ पे जो है बात करते हो बड़े बड़े गाड़ियों की, जो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर सफोमीटर एसयूवी उनका ज़्यादा ज़माना है, मतलब ज़्यादातर ये बात करते हो ये जो है वो माइक्रो एसयूवीज की, वो मिड प्राइस सेगमेंट में जो आती है, तो सेडान का कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेंड वह कम होते जा रहा है, थोड़ा सा लो होते जा रहा है। तो इस गाड़ियों को जो मोस्टली 2017 से लेकर 2020 तक जो इतना पूछते थे, आज के रेट में एसयूवी के ज़माने में ज़्यादा लोग जो है वो, मतलब अगर बात करते हो अगर बुकिंग्स की, तो थोड़े से अगर कंपेटिबल करते हो, कंपेयर करते हो एसयूवी से, तो कम हो चुका है, हो चुके हैं उसके यूनिट्स, क्योंकि ये सेडान है और क्योंकि लोग जो है वैसे ही लेना पसंद करके। बात कर रहा हूँ नदरदान जो है वो आपको एक बता दूँ, थर्ड जनरेशन होंडा सिटी। और सबसे बढ़िया बात आपको एक बता दूँ, जिन भाई साहब ये जो भाई साहब बन करते हैं लास्ट टॉप एंड के मतलब पहले वाला वेरियंट यही है आई वी टेक टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे बड़ी बात है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो है वो आपको आपको आती है। तो सबसे बढ़िया बात ये जो है ना आपको बता दूँ, इसमें जो है वो 6 गियर आते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और जो है अराउंड ये जो गाड़ी आपको जो है वो हाइब्रिड मतलब स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्यूल बचा के देती है। दो ट्रांसमिशन में आते हैं, एक तो इसका पहले डीजल वेरियंट आता नहीं था, मैं पहले बता दूँ 1.5, अब ये 1.5 में जो है वो आपको आई वी टेक मतलब इसका जो है 1.4 लीटर जो है वो पेट्रोल इंजन के साथ उन्होंने जो लॉन्च किया, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म भी चेंज हो गए। अब जो भाई साहब जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये जो है वो होंडा सिटी काफी भारी भरकम सेडान अर्न करते हैं, उनका थोड़ा जो है वो मैं ओनरशिप रिव्यू कराऊंगा, क्योंकि आज के रेट में जहां पे एसयूवीज का जमाना है, एसयूवीज का जमाना दौड़ रहा है, उसके रेट में ये सेडान ले रहे हैं, फिर भी ये गाड़ी जो है वो सेकंड रैंक पे है होंडा सिटी, मतलब जो है वो पेट्रोल में, उनका डीजल वेरिएंट भी मैनुअल में आ चुका है। अब ऑटोमेटिक में उनका कैसा एक्सपीरियंस है वो उनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल सर, आपका नाम हो जाए? माय नेम इज जितेंद्र चित्रे। होंडा सिटी का प्लानिंग कैसे हुआ, मतलब कब ली थी आपने? बेसिकली आई हैव लुक्ड एट दो चीजें मैंने देखी, एक तो एसयूवी ले लूं या सेडान ले लूं। सेडान में जो फील है, गाड़ी आप चलाते हो, गाड़ी रोड पे रहती है, एसयूवी में आपको बॉडी रोल मिलता है। आजकल जो भी आ रहा है एसयूवी लेने की कोशिश कर रहा है, बट आजकल जो एसयूवीज आ रही है वो 1.5 लीटर है, उसमें कोई पावर नहीं है और आप जस्ट टॉल एक स्टांस पे बैठे हो वही है। बट होंडा सिटी इज अ 25 ईयर ओल्ड मॉडल विच दे हैव कंटिन्यूड, हैव मेड लॉट ऑफ चेंजेस। टुडे दे हैव अ होंडा सेंसिंग है उसमें, जैसे कि आप एडास सिस्टम है, इट्स अ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। इट्स अ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और ये 7 गियर के साथ आ जाता है। अब आज के रेट में लोग जो है वो थोड़े से हाई एल्टीट्यूड पे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि जमाना थोड़ा सा चेंज है एसयूवी पे। तो जो एसयूवी का जमाना है, जो ज्यादातर के अगर बात करते हो सेडान्स की, तो कंपेयर करते हो एसयूवी से, तो सेडान जहां तक की दिन में जो है वो 4-8 के यूनिट अगर पकड़ते हो, तो एसयूवी वहां पे 20 और 25 जा रही है। तो इसके रेट में आपने सेडान लेना कैसे हुआ, मतलब सेडान जो चाहते हैं उनका एक लवर अलग ही है, ट्रेंड अलग है, उनको सेडान क्यों चाहिए? क्योंकि सेडान जो ड्राइविंग फील है वो सेडान में अच्छा मिलता है। सेडान रोड के नजदीक रहती है, शॉर्ट कार, तो आपको ड्राइविंग काफी अच्छा रहता है। बट अगर जब भी आप एसयूवी में जाते हो तो वो टॉल हो जाती है, आप ग्राउंड क्लियरेंस के लिए ये सब करते हो, बट आजकल की रोड में ग्राउंड क्लियरेंस अनलेस आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो बात ठीक है। अच्छा भाई साहब, 7-स्पीड ऑटोमेटिक आता है इसमें, सीवीटी टेक्नोलॉजी, कन्वर्टेबल वेरिएबल ट्रांसमिशन, ओके, कुछ भी कहो जो भी, उसमें आपको 2 इंजन ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मैनुअल आपको 1.5 आता है उसका, 1.4 यानी कि पेट्रोल, 1.5 पेट्रोल पहले आता था, 1.4 उन्होंने जो है वो 1.5 पेट्रोल, 1.5 आता होंडा सिटी ऑलवेज 1.5। और इसमें 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक तो आई वी टेक पेट्रोल और डी टेक डीजल इंजन, उन्होंने डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज ऑफ प्राइसेस उसमें फर्क। अभी आपके जो इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दो, उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के नॉर्म
जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थ्रू है। ओके, 1.5 लीटर के इंजन जैसे ही है, जो गडकरी जो साहब के नॉर्म जो आपको पता है, उनको जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लानी होगी क्योंकि उनको टैक्स बढ़ा देंगे अगर डीजल हो तो उन्होंने किया क्या है, अब इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का जो एक डीटेक डीजल इंजन आता था, उन्होंने फिर से एक ही वेरिएंट पे, बीच वाला जो VX वेरिएंट है, उन्होंने उसमें ऐड कर दिया है। डीजल आता है अभी भी, वो भी लिमिटेड है, मैंने रिसर्च के लिए थी, लिमिटेड है पीरियड तक, मतलब उस 2 महीने के साथ फिर से डिस्कंटिन्यू, मतलब ये कंपनियां भी सोच समझ के जो है अपना प्रोडक्ट बेच रही है। मोस्टली हाइब्रिड में जा रही है, जैसे कि पहले 40 किलोमीटर इसमें हाइब्रिड जो मॉडल है होंडा सिटी में, उसमें पहले 40 किलोमीटर जब भी आप सिटी में चलाते हो तो आपको वो बैटरी के ऊपर चलती है, जैसे कि आप 40 किलोमीटर पर आवर के आगे चले जाते हो वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ओवरऑल एवरेज इफ यू लुक एट इट 28-30 मिल जाता है। भाई साहब आज आप इस गाड़ी के साथ एवरेज क्या निकाल रहे हो, जरा पास तो आओ जाए भाई साहब, अब ओनर हो गाड़ी के, बहुत ही नई गाड़ी है तो आज का एवरेज मेरा 15 तक हाईवे तक जाता है, और 15 हाईवे। आप कैसे चलाने वाले हो, मतलब थोड़ा सा रैश ड्राइविंग करने वाले, मतलब पंजा भारी रहता है आपका कि नॉर्मल डे टू डे एवरेज के हिसाब से? नॉर्मल डे टू डे 60-80 जो हाईवे में स्पीड रहता है, जो मेंटेन करना पड़ता है 80-100, तभी वो आपको ज्यादा देती है। नया इंजन है, नई कार है, तो न्यू कार है, भी बढ़ेगी, 15 तक जाएगा, अब शायद 14 दिया होगा, और सिटी में 10-12 तक दे देगी है। भाई साहब एक बात बताओ, जहाँ तक कि आपने, आप कहाँ के हो, वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, तो मुंबई से यहाँ पे सीधा इस गाड़ी से आए हो, कितने लोग, मतलब कितने बंदे आए हो? 4 बंदे आ गए, 4 कंफर्टेबली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं, लॉक हो जाते हैं भाई साहब, अनलॉक तक हो तो इस तरह से कुछ आपको इसका रिमोट देखने को मिलता है, मैं बता दूं आपको, ये उन्होंने भाई साहब ने जो है की डाली हुई है, लेकिन बात करते हो अगर की तो इस तरह से कुछ आती है, अभी तो मैं निकालता नहीं, लॉक अनलॉक, लेकिन भाई साहब ये कहाँ से कवर लिया आपने, बहुत ही अच्छा है डिजाइन, ऑनलाइन मैंने कवर लिया, बिल्कुल अच्छा डिजाइन, मतलब कहाँ पे मिला आपको ये डील? कंपनी का मालूम नहीं है कंपनी, बट ये अवेलेबल है ऑनलाइन, ये आपने जो है ना बहुत ज्यादा प्रीमियम कर रखा है, मतलब मर्सिडीज बेंज भी नहीं दे पाएगी ऐसे। ये गाड़ी जो भी है वो CVT है, ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, ये मैंने नापा के सीट कवर और चीज वाले नापा के सीट कलर कहा के जेन्युइन एक्सेसरीज है या नहीं? नहीं, जेन्युइन एक्सेसरी, नापा के लेदर कवर, कवर लेदर भी नहीं है, ये PPU लेदर है। दो आते हैं कंपनी, एक कापा और एक नापा, नापा एक नंबर होता है प्रोडक्ट, नापा में और चीज नाम की कंपनी है मुंबई में। दिखाओ तो भाई साहब जरा बैठ के, आप कंफर्टेबली बैठ पाते हो कि नहीं इसमें? आपने आप पीछे बैठ के अगर कभी ड्राइव किया है, मतलब आप जो ड्राइवर वगैरह हो तो पीछे बैठे हो? सबसे बेस्ट सेडान इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग कंफर्ट और पीछे वाली सीट के लिए, पीछे मतलब आप जिस फिजिक के हो, मान लो आप चेक इन चेकआउट करते हो गाड़ी में, आपको इसमें अंदर है, इसमें थोड़ा सा है SUV में, आपको टॉल स्टांस होने के कारण इजी इन एंड आउट है, बट यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल, देखो मैं इजीली आ गया, मतलब कंफर्टेबली आप रहे। इसमें अगर बात करते हो ना, सेडान थोड़ी सी पीछे अगर आप जाते हैं या फिर होंडा की अमेज आती है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा गेट छोटा है उसका, लेकिन होंडा सिटी कंफर्ट, अभी वाइड गेट है, हाँ अभी काफी वाइड गेट है, इसके कंपेयर कौन होता है Hyundai की, वरना काफी छोटा है इसके कंपेटेबली। और इसकी बात आती है, दूसरी आती है Volkswagen की, आपने जर्मन वर्टस करके आती है, और दूसरी एक बात है, और एक जो है वो Skoda की आती है रैपिड। ओके, इसके कंपेयर रैपिड नहीं, अभी स्लाविया करके आ रही है, स्लाविया आ रही है, क्योंकि Skoda रैपिड भी अभी उन्होंने चालू किया, और स्लाविया भी पेट्रोल में है, और उसमें भी CVT आता है, उसमें भी अच्छा खासा है। Volkswagen की तरफ नहीं गए, इसके तरफ गए? Because that is a DHG1, आपको जो ट्रांसमिशन है उसमें DHG है, इसमें CVT है। होंडा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, इसका एक टाइम पे एक ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने सॉल्व कर दिया, आप 4 लोग लेके जाओ, स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी टच नहीं होती है, तो 165 mm इज अ ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी हाईवे पे बेस्ट रहती है। स्लाविया मैंने चलाई, लेकिन अंदर की जो स्पेस है वो स्लाविया में और वर्चुअस में मुझे काफी कम लगी, कम लगी। और वरना एक बात बता दूं आपको, वरना मैं यहाँ पे आप बूट खोल लेते हो ना, तो अगर होंडा सिटी का कंपेयर करो तो आज की, मतलब थर्ड जनरेशन, इससे पहले वाला सेकंड जनरेशन में 20 लीटर थोड़ा सा कम था, एक 10 और 20 लीटर की गैप में, अभी इसको 710 लीटर के ऊपर जो कर दिया है ना, इतने प्राइस सेगमेंट, इसके प्राइस सेगमेंट में काफी गाड़ियों को हरा दिया इसने। बट दैट इज अ बिगेस्ट बूट स्पेस, सीट पे भी पीछे बैठ के आपको काफी कंफर्ट है, इन्होंने इसमें मैगविल दे दिए, इन्होंने वो इस बेस मॉडल के एक मॉडल ऊपर का है, लेकिन इसमें मैगविल्स भी है, इसमें टायर रेडियल दिए है, रेडियल ट्यूबलेस टायर चारों के चारों, 3 inches के दिए। भाई ब्रेकिंग कैसा है बताओ? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ब्रेकिंग, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे ही मुंबई से यहाँ पे कोकण में आप आए, हाईवे पे सांगली सतर, थोड़े थोड़े पैचेस भी है रोड में, फील हुए गड्ढे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरी इसमें एक अच्छी बात है, इसमें होंडा सेंसिंग सिस्टम है, होंडा सेंसिंग सिस्टम, वो लेन वॉच करती है, आप अगर लेन डिपार्चर वार्निंग, डिपार्चर वार्निंग देती है, लेन असिस्ट भी करती है, अडास भी देती है, क्रूज कंट्रोल में अगर, मतलब उस मतलब XUV700 में थर्ड लेवल आता है ना, उस उतने तक नहीं, लेकिन सेकंड लेवल तक आपको जो है 2 तक ये दे देती है, आपको प्रैक्टिकल लगती है जी, मुझे तो पर्सनली बताऊं मैं,
नहीं नहीं ये तो पहली फोन बनी है जो अभी जो XUV700 आए उसमें ढेर सारे टॉप एंड में फीचर दिए जाए, जो फेंसिंग हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो खाना, और बेसिकली गूगल मैप के थ्रू अगर आप नेविगेट करते हो गाड़ी को, ब्रेक सब कुछ ऑटोमेटिक मार लेती है गाड़ी अगर आप एडास ऑटोनोमस एक्टिवेट करते हो तो ये इतनी लेवल तक उसमें नहीं मिलता, लेवल टू तक मिलता। लेकिन एक कस्टमर आपको एज अ बायर आपको ये सारी चीजें एडास की आपको प्रैक्टिकल लगती है, आपको रहना ही पड़ता है। आपको प्रैक्टिकल नहीं है, कोई चीजें हाईवे के लिए बहुत अच्छी है, कुछ कुछ चीजें है के लिए अच्छी नहीं, लेकिन आपको उस पर डिपेंड नहीं रहोगे। नहीं नहीं सिटी के लिए ऑफ करना पड़ता है क्योंकि लेन क्लियरली डिफाइन नहीं रहती, नहीं रहती है, या कोई सामने आ जाता है तो सडनली ब्रेक हो जाए तो पीछे वाला अगर नहीं बराबर बैंक कर देगा तो प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये जो है वो सब कुछ जो है खेला है वो सेंसर का जो है व्हाइट मार्किंग का है, अगर वो इनविजिबल हो, क्योंकि इंडिया के रोड्स में व्हाइट मार्किंग परफेक्टली तो नहीं कहां है। कहां पे हाईवे पे जैसे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, आप समृद्धि में जाओ या हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे जाओ तो अच्छा भाई साहब ये एक बात बताना, जैसे कि इसका जो है वो अभी लॉक हो जाती है, आपने सेटिंग भी वो कर रखी है, लॉक नहीं होती है, इसमें आपको एक बताता हूं, जैसे ही पास आते हो वो खुल जाती है, आपने अगर बंद कर दिया तो आपको ये हाथ ऐसे डालना है, यहाँ पे सेंसर है तो सेंसर से ये खुल, ये सेंसर से, लेकिन पॉकेट में की चाहिए, पॉकेट में की चाहिए। अच्छा वो टच सेंसिंग जो ऑटोमेटिकली जो डोर ओपन हो जाता है वो काफी अच्छा है, मतलब ये जो है वो फीचर, क्लाइमेट कंट्रोल है, कार प्ले है एप्पल का। अभी ये कौन सा वेरिएंट आप बोल रहे हो जो है वो VCVT उसके ऊपर VX आता है, ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट। ओके अब ये बात बताओ जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है आपको CVT मिल जाता है इसमें, ओके मैं बैठता हूँ इसमें गाड़ी में PRDS, आप जस्ट बेसिकली आप नॉर्मली जो गाड़ी चलाते हो बैठ के भाई साहब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है गाड़ी, मैं सच में अगर बात बता दूँ। अब इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वगैरह सीट नहीं आती, आप खुश हो इससे, मतलब आपको एब्सोल्युटली हैप्पी, ओके मतलब आप इससे जो है वो आप कर सकते हो सब कुछ जो है वो, आपको एक बार सेटिंग करनी है आपको और बैठना है तो आपको यू डोंट नीड ऑटोमेटिक, मतलब आपको आप ऐसे बंदे हो, जेन्युइन बंदे हो कि कुछ कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल नहीं लगती, कोई हाथ से भी कर सकते हो। हाँ, मुझे भी ये सब चीजें है ना, मतलब आप जैसे चेक इन चेक आउट वेलकम एक फंक्शनिंग होता है, मतलब जैसे ही आप बैठते हो ना गाड़ी में अंदर सीट वेलकम फंक्शन होता है, मतलब उसका आप बैठने से पहले मेमोरी फंक्शंस होते हैं ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेती है सीट। नहीं, नहीं, okay? कोई बात नहीं है, ये तो बेस लेवल है। वो आपको प्रैक्टिकल लगती है चीजें? नहीं प्रैक्टिकल की बात नहीं, आपका जो बजट होता है आप चाहे तो कुछ भी बटन्स लगा सकते हो, लेकिन आपका बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी VCVT में आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी लेदर ट्रिमिंग है, ये ओरिजिनल लेदर के जैसा ही दिखता है आपको, वो ऑप्शन है, आपको सब बेस्ट लेवल के फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं, एडवांस के फीचर्स आ जाते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, जैसे ही आप जो है वो नॉर्मली चलाते हो डी पे डालते हो और गाड़ी चलाते हो, ओके करेक्ट, अगर आप हाईवेज में जाते हो जैसे कि आप कोल्हापुर छोड़ते हो, मुंबई जाते हो, महाराष्ट्र छोड़ते हो, अगर वो भी डी पे ही चलाऊंगा, एस पे नहीं, एस ये जो है ये स्पोर्ट्स मोड है जो मैनुअल के लिए, जैसे कि आपको फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर मैनुअली डालना है, जहाँ पे इधर पैडल शिफ्ट करके दिए हुए, जैसे आपके खुद के पैडल शिफ्टर आपको प्रैक्टिकल लगता है ये चीज़? एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है, जब भी आप हिल के ऊपर से नीचे आ रहे हो और आप भाई आपको सेकंड गियर में ही गाड़ी चलानी है, फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलानी है, उतारनी है, तो आप पैडल शिफ्ट के थ्रू आप कर सकते हो, बट डी इज इनफ फॉर दिस कार, कोई जरूरत नहीं है आपको पैडल शिफ्ट की, इसमें हिल असिस्ट भी है, जब भी आप हिल पे होते हो तो गाड़ी पीछे नहीं आएगी, अपने आप रुक जाएगी और आप आगे लेके जा सकते। भाई साहब एक बात बता दूं, जैसे कि आप लोग पहले वाले होंडा सिटी मेरे अंकल के पास, इसके पहले वाली सेकंड जनरेशन है, ओके आप उससे, उसमें क्या है कि ये मुझे अभी मैं बैठ के बात बता दूं, ये इंटीरियर उन्होंने काफी ज्यादा आगे खींच दिया है, पहले वाले का क्या होता था यहां से कर्व होता था, यहां पे जो लेग स्पेस और थाई सपोर्ट है वो मुझे उससे उसके जरा बेटर लगते थे, अभी बैठ के ये थोड़ी आगे लेते हो ना, थोड़ी सी मान लो 5-7 का एवरेज बनता है तो उसके हिसाब से थोड़े खींच रखा है वो इंटीरियर, तो थोड़ी जगह सेकंड जनरेशन से इंटीरियर में थोड़े से चेंजेस आए, मुझे तो पर्सनली लगता है ये तो लॉन्गेस्ट कार है अभी, लेकिन लेंथ वाइज बहुत बड़ा दी उन्होंने, इसलिए वो स्पेस भी आपको अंदर, टैक्स भी मैटर करते हैं, जैसी लेंथ बढ़ती है टैक्स भी बढ़ता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है। लेकिन आप एक मुझे प्रैक्टिकल आपकी चीज क्या लगी पता है, ये जो है ना वेलकम फंक्शनिंग हो, फंक्शन हो सीट वेलकम फंक्शनिंग, मेमोरी फंक्शन हो, ये कुछ कॉस्ट कटिंग करके बहुत ज्यादा कॉस्ट लेवल बढ़ा दिया ऐसे मुझे लगता है, कोई जरूरत नहीं थी इस जो है वो फीचर की, जो आपने जो आपकी विचार है ना सोच है ना, मतलब जो कुछ भी आपका बजट था, जो कुछ भी आपका जो है वो मतलब जो है प्रैक्टिकल जो आपको फीचर चाहिए थे इस गाड़ी में सब कुछ आपको उस वेरिएंट में मिल रहा है, और दूसरी बात है वो आपने बराबर हाथ डाल लिया उस वेरिएंट पे, मतलब आप कुछ वर्थ इट नहीं लगते वो फीचर, क्योंकि हाथ में भी हाथ से भी कर सकते हो, नो नॉनसेंस कार आपके बजट में बेस्ट कार, आपको 15 इयर्स अगर यूज करनी है नो नॉनसेंस कार, मतलब आप ऐसे बंदे हो कि 1-2 साल या फिर 5 साल में चेंज करने वाले बंदे हो कि लॉन्ग टर्म यूज करने वाले, लॉन्ग टर्म यूज करूंगा
अच्छा और एक बात बताओ साहब, अगर आप ये गाड़ी अगर आप रखते हो फिर भी इतनी ज्यादा, मतलब कितने साल हो चुके हैं गाड़ी को? ये गाड़ी मैंने लास्ट मंथ ले ली है। लास्ट मंथ इसकी नई ब्रांड, कितना कितना चलाया भाई साहब देख तो ले। अभी देखो जैसे ही मैं ये की हो ना, की मेरी पॉकेट में होनी चाहिए, जैसे ही मैं हाथ डालता हूँ ना इसमें अनलॉक होगी और लॉक होगी। ये फीचर कुछ कुछ मतलब चीजें एड ऑन किए ना उसमें, प्रीमियम बना देती है गाड़ी को और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब इससे थोड़ा एस में जाते हो ना या फिर ईएक्स में जाते हो ना, थोड़ा सा आपको जो है वो 1.5 उसका जो है वो 5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है उसमें और उतने फीचर नहीं आते, थोड़े थोड़े प्रीमियम नहीं आते। लेकिन एक टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको वही दे रखे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, उसमें वायरलेस ही नहीं, वायर भी चल रहा है इसमें, वायरलेस चलता है, वायरलेस ही चलता है यहां पे सीरीज से। आप ऑटो कार अगर आपके पास एप्पल हो तो वायरलेसली चलता है। ओके उसमें दोनों एंड्रॉइड भी है, वायरलेस दोनों अपडेट किया है उन्होंने क्योंकि जियो फेंसिंग के थ्रू अपडेट भी करते हैं। और ये जो छोटी सी टच स्क्रीन आती है ना उससे पहले वाली ईएक्स वेरिएंट की, उसमें आपको वायरलेसली नहीं चलता, वो वायर डालना पड़ता है। मतलब कुछ कुछ चीजें प्रीमियम है। आपने जो पैसे डाल रखे ना कीलेस एंट्री हो चाहे, मतलब इसमें ज्यादा कुछ प्रीमियम कैटेगरी का ज्यादा कुछ करके बड़ा चढ़ा के नहीं रखा है। जो चीजें देता है ना जापान, चाहे टोयोटा हो चाहे होंडा हो, परफेक्टली दे पता है। एज एन ओनर आप खुश हो। अभी दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी कितनी चला के रखी है, ये दिखा दो आप। अब डालो वेयर नहीं, मुझे अगर बात करते हो इसकी, ये सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे फाइल इन्फो यहाँ पे, ओके ओके होम पे। अभी देखो 11.9 के एमपीएल की एवरेज दिखा रहा है। यहाँ पे बता दूँ ये रीसेट कर रखा है ना, डोर ओपन रखा है इसलिए नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैं बंद कर लेता हूँ 740 किलोमीटर पे 700, हाँ ओके 000740 यहाँ पे ऐसे आता है उसके डिजिट। मतलब ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ काफ़ी बढ़िया से एडवांस फीचर्स भी है इसमें। और दूसरी बात है कि ये आरपीएम मीटर टेकोमीटर ना एनालॉग आते हैं, पूरी डिजिटल नहीं आते, वो थोड़ी चीज़ें इस लेवल में बैठती है। ऑन रोड कितने में पड़ी थी आपको ये? मुझे ऑन रोड मैंने काफ़ी एडिशन भी किए बट 15.5 में आपको ऑन रोड आ जाएगी, 15.5 में ऑन रोड आ जाती है। ओके ये था कुछ अपना जो है वो जितेंद्र चिते साहब का जो होंडा सिटी अर्न करते हैं, बिल्कुल एक लमसम क्रॉस होने वाला एक सा, मतलब कितने महीने हो चुके आपने बोला? एक लमसम जो है वो एक महीना यूज करते हो, एक महीने में 780 मतलब मुंबई से यहाँ पे आए, एक महीना भी नहीं, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता भी हो गया। चलो और ये क्या है भाई साहब, ये स्टेटस क्या है होंडा का? अगर जब आपने दी थी अपने वेटिंग पे रखा था कि जल्दी मिल गई थी, हैंड ओवर की थी, अवेलेबल हो गई इमीडिएटली। ब्लू कलर उनका नया पर्ल ब्लू करके कलर है, ऑब्सिडियन ब्लू, उनका नया होंडा सीरीज ने नया ब्लू कलर निकाला है। मुझे आपको पसंद आया? मुझे पसंद आया, उन्होंने थोड़ा सा एक व्हाइट के कंपेरेबली मेंटेनेंस है क्योंकि डस्ट पार्टिकल कर देते हैं, लेकिन आपने जैसे रखी है ना गाड़ी काफी धुली हुई स्वच्छ एकदम क्लीन नीट दिख रही है। ये था कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है भाई साहब का। वीडियो देख लिया आप, बहुत बहुत धन्यवाद। होंडा सिटी अर्न करते हैं सिर्फ एक महीने हो चुके, मात्र 780 किलोमीटर चला के और काफी बेहतरीन जो है वो एक्सपीरियंस है और जल्दी दे दिया आपको, हैंड ओवर की दी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बात करते हो यहाँ पे कोरियंस की है ना, बहुत वेटिंग करा रहते हैं यार, बहुत एक्चुअली वो जो अवेलेबिलिटी होंडा सिटी का प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम, थार की तो वेटिंग एक एक साल में मिलती है इतनी ज्यादा। अगर कोई अलग कलर ही चाहिए वो लॉट में कलर जब भी आता है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, वो तो है भाई अपने अपना जो एक्सपीरियंस होता है। तो ये था अपना कुछ एक्सपीरियंस। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे होंडा सिटी VTEC DTEC भी इंजन आ रहा है, फिर भी क्या पता नहीं कब तक रखेंगे। मेरा फेवरेट था पर्सनली डीजल इंजन, डीजल ये नॉर्म चेंज कर रहे, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।